नमस्कार दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल रूपी के बारे में इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है इसका पर्पज क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे ड्रॉबैक्स हैं चैलेंजेस क्या हैं है, ये हम कैसे परचेज कर सकते हैं क्या ये इंस्ट्रूमेंट इन in, आप इन्वेस्टमेंट है और या क्रिप्टो करेंसी है या क्या क्या इसके फीचर्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आइए हम देखते हैं डिजिटल रूपीज को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सी बी डी सी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डिजिटल जस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ इंडियन रूपीज इशू बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल रूपीज इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक रूपी का एक फॉर्म है जिसको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने इशू किया गया है ये रेगुलर करेंसी के रेगुलर करेंसी नोट्स के सिमिलर है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और ये अभी पैलेट के रूप में चार सिटीज में रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल करेंसी नोट्स जो पुराने करेंसी नोट्स हैं उनको रिप्लेस करें और इसका जो पेमेंट होगा वो क्यू कोड के थ्रू या डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू हो जाएगा डिजिटल रूपी कैन बी वाइव फ्रॉम से इवन इफ यू डोंट हैव द अकाउंट विद अगर हमारा उन बैंक में अकाउंट नहीं है तभी भी हम उन बैंक से डिजिटल रुपी को बाई कर सकते हैं ये एक डिजिटल रुपी का बैलेट क्रिएट करेंगे डिजिटल रुपी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें दो पॉइंट हैं जो आप याद रख लीजिए पहला इट्स नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हमें जो भी हम पैसा डिपॉजिट करेंगे या जो हम पैसा वॉलेट में रखेंगे उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सिंपली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द कैश है दूसरी पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है डेफिनेटली ये क्रिप्टो करेंसी है लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के दो फीचर होते हैं कि पहला क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है सेकेंडली रिकॉर्ड होती हैं लेकिन जो डिजिटल रूपी है वो ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है लेकिन पब्लिकली इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको आप याद कर लीजिए अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की एक तो कैशलेस सिंपल से है कैशलेस इकोनॉमी को एनकरेज करेगा प्रिंटिंग कॉस्ट जो है नोट्स की करेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग वो कम कर देगा और यूपीआई की कॉस्ट कम हो जाएगी अल्टरनेटिव है क्रिप्टो करेंसीज का और मोर सिक्योर फिजिकल करेंसी है ये अगर एडवांटेज में देखें हम तो स्मूथर है फास्टर फ्लो अप है इनक्रीज और ट्रांसपेरेंसी अगर आपका डिजिटल रुपीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करिए हम उसका आंसर करेंगे धन्यवाद